हाय एवरीवन, मैं हूँ ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाली हूँ कि लड़कियों के स्पेशली शादी के बाद पैरों में बिछिया क्यों पहनाए जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये एक रिवाज है, हम सोचते हैं कि ये एक हमारे कल्चर का एक मतलब कि है, कुछ फैमिली में ये ना मतलब कि एश्योरेंस किया जाता है कि हाँ लड़की के पैर में बिछिया पहनाई गई है, अगर नहीं पहनाई गई है तो पहनाना अनिवार्य है। हम इसको ट्रेडिशन मानते हैं, पर इस ट्रेडिशन के पीछे की हकीकत क्या है, आज इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ। क्योंकि अगर आपने कभी इसको इग्नोर किया भी हो, अगर आपने इसको कभी भी गौर भी किया हो, तो आपको इसके बारे में जानकारी आज मिल ही जाएगी। एक्चुअली औरतों के पैरों की जो उंगलियां हैं ना, उसका सीधा असर औरतों के गर्भाशय के साथ होता है। जब इसी उंगलियों में बिछिया पहना जाते हैं ना, तो उसके दौरान जो एक्यूप्रेशर क्रिएट होता है, उससे गर्भाशय को काफ़ी लाभ मिलता है, उसके फंक्शन में काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि शादी के बाद फ्रिक्वेंट इंटीमेसी की वजह से अक्सर फीमेल्स को इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी में काफ़ी हार्मोनल डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो इसकी वजह से पीरियड में इफेक्ट होता है, उनके हेल्थ में इफेक्ट होता है। और बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे शादी के बाद फीमेल्स के साथ काफ़ी और भी चेंजेस होते हैं, खान पीन, रहन सहन, उठना बैठना, सोना, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट उनके बॉडी के हार्मोन्स से पड़ता है। हार्मोन्स डिसबैलेंस से पीरियड पर पड़ता है, और पीरियड इरेगुलर हो जाने की वजह से फीमेल को काफ़ी दिक्कत होती है। और ये जो एक रिवाज है, ये जो ट्रेडिशन हम मानते हैं ना, इसका काफ़ी लाभ होता है। क्योंकि इसी बिछो की वजह से जो एक्यूप्रेशर क्रिएट होता है, और इसी वजह से फीमेल्स की जो इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम होती है ना, उसको रेगुलर करने में ये थोड़ा बहुत मदद भी करता है। तो है ना, ये एक मज़ेदार ट्रेडिशन। अगर आपको आपके वाइफ का पैरों में बिछिया पहनना पसंद नहीं है, आप उसको गवार कहते हो या फिर आप उसको बैकटेटेड कहते हो, तो अभी से इसको बोलना बंद कर दो, क्योंकि इसका बहुत सारा लाभ होता है जो फीमेल्स को मिलती है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिला ही होगा। अगर मिला है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।